अस्सलामुअलैकुम जी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी। रेसिपी नहीं, पाए की जो है वो रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर पाए वॉश हो रहे थे और यहाँ लाहौर की बहुत ही फेमस डिश है ये पाए। सर्दियों में तो ख़ास तौर पे इसे बनाया जाता है और शौक़ से खाया भी जाता है। मेरी फ़ैमिली माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं यहाँ पर। और बस यहाँ पर आप देखते जाएं, इसे अच्छे से वॉश करना है। वैसे तो काफ़ी साफ़ सुथरा सा आया था बाहर से, लेकिन फिर भी घर में वॉश करना तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्याज को और ग्राइंडर कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, और साथ ही साथ ज़ीरा पाउडर लिया था और मतलब धनिया पाउडर लिया था, इसे साथ ही रख दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर अब इसे ऐड करते जाएंगे पाए में, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पानी भी ऐड करना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर कुकर में बनाना था। और क्योंकि यहाँ गैस काफ़ी दिनों से बंद है, मतलब महीना होने लगा है गैस टोटली बंद हुआ है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि चलो छत पे अरेंज करते हैं। सारे लोग घर पे ही थे और बहुत मज़ा आ रहा था हमें, और हल्की सी धूप भी निकल आई थी तो और भी मज़ा दुबाला हो गया था। सर्दी में धूप हो तो हाँ क्या मज़ा आता है। तो खैर, यहाँ पर आप रेसिपी चेक करें, पानी ऐड किया था, साथ ही साथ ऑयल और सारे मसाले ऐड किए, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था। अब चलें जो ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाकर आपको मैं दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर पूरी सारा मसाला जो है वो ऐड की थी, और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था और पाया मसाला भी लास्ट में ऐड कर दिया था, और ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था। और यहाँ पर जी ये जा रहे हैं ऊपर, साथ ही साथ मैं भी अब जाने लगी हूँ, क्योंकि लास्ट में तड़का भी लगाना था। और यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैं सामान लेकर जा रही हूँ, और आगे चलते हैं देखते हैं क्या होने वाला है। तो कुकर को जो है अब जाहिर है लकड़ी वाले चूल्हे में बनाना था, तो कुकर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, काली लग जाती है उसमें, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा। तो उसे कवर करने के लिए मेरे जेठ बड़े वाले भाई जो हैं वो मिट्टी से जो सारा उसको अच्छे से कवर कर दिया था। अभी आप चेक करेंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से कवर किया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था पाए, मतलब बहुत पसंद आया था सबको और बहुत यम्मी था। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सर्दियों में ही ये खाया जाता है, बहुत पसंद करते हैं लोग, ख़ासतौर पर फैमिली। अगर पसंद अच्छा लगता है सबको खाने में और सब साथ बैठ के खाएँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलें जी चलते हैं, और बहुत ध्यान से हम लोगों ने किया था, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है चूल्हा बनाना, और मतलब हैवी भी होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हड्डियाँ वगैरह बहुत होती हैं। तो चलें जी, अब मैं आप ये वीडियो इंजॉय करें, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ओके जी जनाब, तो देखा आपने, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? तो पाए जो है वो हमारी बन चुकी है और अब हम इसे टेस्ट करने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।